अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है मैंने एनर्जी ये देखिए आज का ब्लॉग मैंने फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट किया क्योंकि मैं पूरे दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। पूरे दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था तो मेरा मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि आज मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया उसके इतना डाउन जा रहा है कि क्या बताऊँ। इतना डाउन मेरा आज तक कोई ब्लॉग नहीं हुआ जितना कि वो रिसेंट वाला अभी जो जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, हमें तो काम करते रहना है, देखते हैं हमारे काम का क्या नतीजा होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज पापा का रोज़ा इधर ही खुलेगा, हद की चाची और दादी के ही इफ्तारी में जा रहे हैं। तो यार मुझे कोई इफ्तारी में नहीं बुलाता, पता नहीं क्यों एक इफ्तारी में गए थे हम बस। तो मेरे बच्चों को खाना है तरबूज, तो बस वो निकाल के इनको काट के दे रही हूँ क्योंकि आज असद का मन, आज असद ना पूरी प्योर हिंदी बोल रहा था मुझे तरबूज खाना। मैं बना रही थी पापा के लिए इफ्तारी और मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ सब गए हैं कहीं। मैंने आपको बताया इफ्तारी पे तो मुझे पापा के लिए, पापा की आदत है वो चाय के साथ रोज़ा खोलते हैं क्योंकि वो चाय लवर है, टी लवर है, तो उनको चाय के साथ ही रोज़ा खोलना होता है। तो चाय के साथ मैं जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। और ब्रेड पकौड़ा जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ धनिया नहीं है, धनिया हमारा आप सबको पता है उस तरफ है, तो मैं धनिया वहाँ से लेकर आऊँगी। तो जैसे ही लेकर आऊँगी फिर बाकी का सारा काम शुरू करूँगी। और थोड़ी देर के बाद पापा डिनर भी करते हैं। पापा के रूल्स जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए गले में कुछ अटक रहा है, तो इसलिए मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। इसलिए आज का टास्क है पापा का रोज़ा इफ्तार करवाना है, तो अच्छे से हो जाए यही प्रे करती हूँ। क्योंकि वो मुझे नहीं बोलते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, असद और राहत की वजह से वो मुझे बिल्कुल किसी चीज़ के लिए तंग नहीं करते। इवन उन्होंने पानी भी पीना हो तो वो भी अम्मी को या खुद कुछ कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन मुझे कभी नहीं बोलेंगे। वो कहते हैं तो बच्चे संभाल बस और कुछ नहीं, तो इसलिए मैं बच्चों का ही ध्यान रखती हूँ, तो इस वजह से मैं बाकी चीज़ों से रिलैक्स्ड हूँ। तो आज अम्मी और देवरानी दोनों ही नहीं है तो इसलिए ये काम मेरा है, तो मैं इस उम्मीद पे खरा उतरना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को पूरा देखें, फुल वॉच करें। अभी मेरे देवर हैं वहाँ पर, अभी मैं धनिया लेने भी नहीं जा रही, वो भी कैंसिल है, तो देखते हैं वो जाते हैं गेट से बाहर, फिर मैं धनिया लेकर आती हूँ। ठीक है जी, अहद और असद यहाँ खेल रहे हैं ना, तो बस धनिया भी इधर ही है, तो इनके चाचू भी कहीं इधर नीचे हैं कहीं पे, जहाँ असद है ना बस उसके साथ ही बैठे हुए हैं कहीं, तो फिर मैं थोड़ी बाद में ही जाऊँगी। ये जी बन रहा है ब्रेड पकौड़ा पापा के लिए, और बाकी सब तो इफ्तारी बाहर ही करेंगे। यहाँ पे मैंने चावल भी रख लिए, यहाँ पे पापा की चाय भी है, और मेरा हीटर जो है वो टूट गया है। ये सासू माँ ने होममेड हीटर दिया है मुझे थोड़े दिन के लिए, फिर हम वो ठीक करवा लेंगे तो फिर ले लेंगे। ये देखिए ये होममेड दिया है। गाइस मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना, और इतना फैलावा हो रहा है, उसकी परवाह नहीं है मुझे कि फैलावा हो रहा है, मुझे है कि ऑन टाइम मैं सारा कर लूँ कि फटाफट से सब हो जाए। बस यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा हो गया, बस सॉस डालनी है, मेयो मैंने डाल दी है, और मैंने एक चीज़ और बना ली, मैंने पापा के लिए पोहा बना लिया है, चाय भी हमारी बन गई है। बस फाइनली गाइस पापा की इफ्तारी बन गई, बस सब मैं जा रही हूँ देने। और पापा कुछ ज़्यादा नहीं खाते, वो कुछ भी नहीं खाते, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, बस मैं उनको देकर आती हूँ और फिर बाकी जो काम है वो करती हूँ। ये है पापा की इफ्तारी, बहुत सिंपल सी, मैंने कहा ना वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। अब खजूर डालनी है, बस याद भूल गई थी, तो चलते हैं देकर आती हूँ। इफ्तारी के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होगी पापा का डिनर प्रिपेयर करने में। अब पापा का डिनर प्रिपेयर हो गया है, बस मैं उस तरफ देने जा रही हूँ उनको। तो आई होप कि उनको ये राजमा, वैसे मेरे पापा ना राजमा भी नहीं खाते हैं, ससुर जी राजमा नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चल जाते हैं। उस तरफ भी कोई ना कोई सब्ज़ी बनाई हुई है, मुझे वहाँ से भी वो देनी है उनको। चलते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि पापा को भूख भी लगी हो सकती है। हम इफ्तारी में बहुत पेट भर के ना इफ्तारी करते हैं, लेकिन पापा बेचारे सिंपल से हैं, सिंपल सी चीज़ें खाते हैं। तो पापा का डिनर हो गया तैयार। ये है पापा का डिनर, राजमा, दो चपातियाँ, थोड़े से चावल, और प्याज तो लाजमी होना ही चाहिए, बाकी खीरा नहीं है। तो बस ये पापा का डिनर लेके जा रही हूँ उस तरफ, बाकी फैलावा जो है वो इग्नोर करें प्लीज़। पापा का डिनर हो गया, अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, क्योंकि इफ्तारी के बाद ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो मैं इसको बना के फ्रिज में लगा दूँगी, तो लेट नाइट हम खाएंगे इसको। फिर हस्बैंड को भी पसंद है, वो भी कह रहे थे कि गर्मी हो रही है तो कुछ ठंडा खाया जाए, वैसे तो फ्रूट क्रीम खानी चाहिए,
बस जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना असद तब भी बीच में आ जाता है बोलने के लिए। तो यहाँ पे कस्टर्ड बना रही हूँ, कल भी बनाया था जैसे दादी की दुआ के लिए, तो वो ख़त्म हो गया था बस, ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा चाहिए था, अच्छा बना हुआ था इसलिए शायद ख़त्म हो गया, या ठंडा था इसलिए। तो ठंडी ठंडी चीज़ें मन करता ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, आपको आप नोटिस कर रहे होंगे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है किचन में खड़े खड़े रह के। तो बस अब गर्मी आ गई और मेरे डार्क सर्कल और डार्क हो जाएंगे, तो बस इस तरह से हमारी रूटीन चलती रहती है। पापा का डिनर हो गया, बहुत बड़ा टास्क होता है वो, क्योंकि पापा बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं कि उनको क्या ये चाहिए या वो चाहिए, वो कुछ भी डिमांड नहीं करते, बस वो चुप रहते हैं, तो उस चुप से हम थोड़ा सा डरते हैं। तो इसलिए हमने ना फटाफट से उनको डिनर वगैरह करवा लिया बस। और दूध के लिए कहा है, पापा की आदत है, मतलब एक पापा का एक रूल है यार, एक मतलब पूरा, जो चीज़ खानी है तो खानी है, जो चीज़ नहीं खानी दैट्स इट, कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं खानी। हम यहाँ पे शायद कुछ लगा है, हम क्या करते हैं कि अपने मतलब जैसे मन होता है या कुछ लालच होता है तो हम खा लेते हैं ना, मतलब अपनी डाइट कॉन्शियस नहीं होते हम। कुछ चिपका हो, पता नहीं क्या चिपका है यार, या एक कस्टर्ड पाउडर लग गया है। लेकिन पापा जो है पूरे डाइट कॉन्शियस है, वो 7 बजे डिनर तो 7 बजे करना है उन्होंने, और उसके ऊपर एक दो सेकंड भी नहीं होने चाहिए। तो वो इतना जो मतलब सिंपल सा खाना खाते हैं और फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, फैट कुछ भी नहीं खाते, बस सिंपल खाना खाया, रात को दूध पिया, बस अपनी एक रूटीन होती है। हम इतने पोजेसिव नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस चीज़ को लेके कि जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम कहाँ समझते हैं चीज़ों को। तो अभी कस्टर्ड बना के ना रख रही हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो जी आज का यही ब्लॉग था हमारा, जो पापा का ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो आज का हमारा यही काम था कि पापा की इफ्तारी करवानी है और टाइम से हो जाए। एक मिनट चुप हो जाओ, पापा की इफ्तारी हो जाए, टाइम से हो जाए, बस ये एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बस रैंडम ब्लॉग बनाया मैंने जल्दी जल्दी में, तो आई होप कि अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।